दशहरा। अभी अभी नवरात्रि का त्योहार खत्म हुआ था और गट्टू चिंकी ने धूमधाम से नवरात्रि मनाई थी और अब बारी थी दशहरा की। दो ही दिन बाद दशहरा था और सोसाइटी में जोरों शोरों से दशहरा की तैयारियां चल रही थी। गट्टू चिंकी स्कूल से लौटते वक्त देखते हैं कि सेक्रेटरी अंकल एक दूसरे अंकल से बात कर रहे थे। हेलो सेक्रेटरी अंकल। हेलो बच्चो। अंकल सोसाइटी में तो डेकोरेशन भी शुरू हो गई है। वाह। हाँ बच्चो, सिर्फ दो ही दिन बचे हैं ना। और ये देखो, ये हैं पिंटू अंकल, ये सोसाइटी के लिए रावण बनाने का काम करेंगे। ओ, वही रावण जिसका हम सब दहन करते हैं। हाँ बच्चो, मैं आज ही शाम से रावण बनाने के काम में लग जाऊंगा और दो दिन में रावण बन भी जाएगा। अरे नहीं नहीं पिंटू, हमें पॉल्यूशन फ्री दशहरा मनाना है, इसलिए हम ज्यादा बड़ा रावण भी नहीं बनाएंगे। तो अगर तुम दशहरे के दिन ही सुबह सुबह भी आकर काम करोगे तो शाम तक पूरा हो जाएगा। हाँ ये भी ठीक है। अंकल रावण किससे बनता है? बच्चों रावण कार्डबोर्ड और पेपर से बनता है, मैं बाजार से उसे बनाने का सामान ले आऊंगा। तभी चिंकी को एक जबरदस्त आइडिया आता है। सेक्रेटरी अंकल, क्यों ना हम पिंटू अंकल को अपने घरों से यूज्ड न्यूज़पेपर्स और कार्डबोर्ड्स लाकर दें? उससे हम उन चीजों को रीयूज कर पाएंगे और अंकल को नया सामान नहीं लेना पड़ेगा। वाओ चिंकी, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। हमारे ही घर में कितना पुराना कार्डबोर्ड रखा हुआ है। हाँ चिंकी, आइडिया बुरा नहीं है, मेरे घर में भी काफी न्यूज़पेपर रखे हैं। तो फिर तय रहा पिंटू, ये बच्चे तुम्हें सोसाइटी के ही पुराने कार्डबोर्ड और न्यूज़पेपर्स जमा करके दे देंगे। ठीक है, फिर मैं दशहरे के दिन ही आता हूँ। बाय बाय बच्चो। बाय बाय अंकल। दशहरे के दिन सुबह सुबह पिंटू अंकल सोसाइटी में आ जाते हैं। गट्टू चिंकी और उनके फ्रेंड्स पहले से ही वहाँ मौजूद थे। उन्होंने सोसाइटी के सभी घरों से पुराना कार्डबोर्ड टेप और न्यूज़पेपर लाकर ग्राउंड में रख दिया था। अरे वाह बच्चो, तुम सब तो मुझसे भी पहले आ गए। चलो फिर काम शुरू करते हैं। ओके अंकल। अंकल रावण बनाने में लग जाते हैं। पहले वो न्यूज़पेपर की बड़ी बड़ी बॉल्स बनाते हैं और उनसे रावण के 10 सर बनाते हैं। सभी बच्चे अंकल को ध्यान से देख रहे थे। रावण के 10 सर क्यों बनाए हैं अंकल? चिंकी बेटा, क्योंकि रावण के 10 सर थे। ऐसा भी माना जाता है कि रावण के पास 10 आदमियों जितना दिमाग था और उसके 10 सर उसके 10 दिमाग को भी दर्शाते थे। क्या सच में? फिर तो रावण बहुत ही समझदार रहा होगा। हाँ समझदार तो था, मगर घमंडी भी। इसलिए उसने माता सीता को बंदी बना लिया और साथ किडनैप करके लंका ले गया। और माता सीता को वापस लाने के लिए राम जी लंका गए और उन्होंने रावण का वध कर दिया। इसलिए हम दशहरा मनाते हैं बच्चों। कुछ समझ आया गट्टू, इसीलिए हमें समझदार तो होना चाहिए मगर कभी उसका घमंड नहीं करना चाहिए। फिर तो अच्छा है, मैं ज्यादा समझदार नहीं हूँ। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में अंकल रावण के सर बना लेते हैं और फिर उसका शरीर बनाने में लग जाते हैं। शरीर बनाने के बाद अंकल सभी 10 सरों को शरीर से जोड़ देते हैं। इसके बाद रावण बन जाता है। वाओ अंकल, आपने तो बहुत अच्छा रावण बनाया। हाँ सच में अंकल। शुक्रिया बच्चों, लेकिन तुम सब यहाँ मेरे साथ बैठे इसलिए काम जल्दी जल्दी हो गया। अंकल आप शाम को रावण दहन के समय जरूर आइएगा, बहुत मजा आएगा। क्या मगर अंकल प्लीज आइएगा, सच में बहुत मजा लगेगा। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं अपनी बेटी श्रेया को लेकर आऊंगा, उसे भी तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, वो तुम्हारी ही उम्र की है। ये सुनकर गट्टू चिंकी एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद पिंटू अंकल चले जाते हैं और गट्टू चिंकी भी तैयार होने घर चले जाते हैं। गट्टू चिंकी, तुम्हारे नए कपड़े तुम्हारे कमरे में रखे हैं, जाकर पहन लो, फिर सोसाइटी में रावण दहन देखने भी जाना है ना। ओके मम्मी। गट्टू चिंकी जल्दी से तैयार हो जाते हैं और पापा भी घर आ जाते हैं। बच्चो मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अरे वाह, क्या सरप्राइज पापा? आज हम सब रावण दहन के बाद मेला देखने जाएंगे।
क्या सच में पापा? ये मेरा कब से मन था दशहरा का मेला घूमने जाने का। हाँ आज तो बहुत मजा आने वाला है चिंकी। चलो चलो अब जल्दी सोसाइटी में चलो, रावण दहन होने ही वाला है। सब लोग सोसाइटी के ग्राउंड में आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई थी और बीच में रावण खड़ा था। इस बार सबने सेक्रेटरी अंकल को ही रावण दहन करने को कहा, इसलिए वो राम जी के कपड़ों में आ जाते हैं। अरे वाह सेक्रेटरी साहब, आप तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो तो बस ऐसे ही, शुक्रिया। तभी वहाँ पर पिंटू अंकल भी अपनी बेटी श्रेया के साथ आ जाते हैं। गट्टू चिंकी देखो, ये है श्रेया। हाय श्रेया। हेलो। पापा मम्मी देखिए, ये पिंटू अंकल है, इन्होंने ही रावण बनाया है। अरे वाह, आपने तो पुराने सामान से बहुत अच्छा रावण बना दिया। तभी सेक्रेटरी अंकल रावण दहन के लिए आगे बढ़ते हैं और सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। अंकल तीर से निशाना लगाते हैं और जैसे ही निशाना रावण पर लगता है वो जलने लगता है। सभी लोग पटाखे भी फोड़ते हैं। गट्टू चिंकी बड़े ध्यान से रावण को जलता हुआ देखते हैं। गट्टू चिंकी कैसा लगा तुम्हें रावण दहन में? बहुत अच्छा पापा। हाँ पापा सच में कुछ अलग ही बात होती है जब हम रावण को आग में ऐसे जलते हुए देखते हैं। सही कहा बच्चों, इसके बाद काफी पॉजिटिव भी फील होने लगता है। तो चलो बच्चों, अब हम मेला देखने चलते हैं। आ जाओ कार में बैठो। ये। गट्टू चिंकी और मम्मी पापा कार में बैठते हैं और मेला देखने चले जाते हैं। मेले में कई अलग अलग तरह के झूले थे और बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें भी थी। पापा पापा वो देखिए मैरी गो राउंड, मुझे उसमें जाना है। गट्टू वो कितना बड़ा है, मुझे डर लग रहा है। चिंकी बेटा डरते नहीं, चलो हम सब उसमें चलते हैं। हमें हमेशा अपने डर का सामना करना चाहिए। ओके मम्मी। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ मैरी गो राउंड में बैठे हैं। लेकिन बैठने के बाद चिंकी से ज्यादा गट्टू डरने लगता है। अरे गट्टू अपनी आंखें खोलो, देखो हम कितना ऊपर है, यहाँ से हमारा पूरा शहर दिखाई दे रहा है। गट्टू धीमे धीमे अपनी आंखें खोलता है। सही कहा तुमने चिंकी, मगर ये कितना ऊंचा है। हाँ बच्चों, और वो देखो, वो है हमारी सोसाइटी। ओ ओ हाँ, अरे हाँ पापा। वाओ ये कितना सुंदर है। मेरी गो राउंड से नीचे उतरकर गट्टू चिंकी आइसक्रीम भी खाते हैं और फिर मम्मी और चिंकी दुकान से शॉपिंग भी करते हैं। गट्टू भी अपने स्कूल्स के लिए अलग अलग तरह के पेंस और पेंसिल लेता है। आज के दशहरा मेले में तो मजा ही आ गया। हाँ और मैंने तो बहुत सारा सामान भी लिया, पेंसिल्स स्टिकर्स और देखो गट्टू ये ब्रेसलेट भी। चिंकी देखो मैंने ये लाइट वाला पेन भी लिया, इसमें लाइट भी चलती है। आज का दिन वाकई में बहुत अच्छा था। हाँ सच कहा, इसी तरह दशहरा मेला गट्टू चिंकी के लिए दशहरे को और ज्यादा खास बना देता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।